तो कैसे हो आप, तो फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, ऊपर वाला आप सबको बहुत ही खुश रखे, आपके फ्रेंड्स फैमिली को बहुत खुश रखे। और अभी तो यही दुआ करेंगे, यही सब प्रार्थना करूंगा मैं सबके लिए, यही मेरा प्रेयर रहेगा सबके लिए कि किसी को भी कोई भी वायरस ना लगे, न ओमिक्रॉन लगे न कोविड लगे। तो यही मेरी दुआ रहेगी, सभी स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो ही, अगर आपके हाथ में करोड़ों रुपए है पर अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले होता है शरीर को अच्छा रखे, तो आपको और आपकी फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स फैमिली सारे लोगों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और आप बहुत ही स्वस्थ रहे और बहुत अच्छे पैसे कमाए। 2022 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे, ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए, दिल से प्रार्थना है आप सबके लिए। तो आगे बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। तो जिस तरीके से मैंने अपने आप को रोल बैक किया था लास्ट फ्राइडे, एक्चुअली पोजीशन बनाया था 24 दिसंबर को पोजीशन बनाया था, और मैंने थोड़ा सा अपने आप को रोल बैक इसलिए किया था कि मुझे पर्सनली लग रहा था कि एक रैली होगी मार्केट में, और 16900 वाला निफ्टी 17400 आ गया एक वीक में। तो एज एक्सपेक्टेड रैली हुआ, नीचे से देखने जाए तो 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ गया, 16400 वाला निफ्टी 17400 आ गया। तो इसमें हम वेट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको 3 जनवरी को आपको पुट ऑप्शन लेना है, 3 जनवरी जैसे ही मार्केट खुले आपको मार्च एंड का 2022 मार्च एंड 31 मार्च 2022 का आपको पुट ऑप्शन लेना है 16500 का। देखिए 16500 का पुट ऑप्शन 223 रुपए है, मतलब आपका मैक्सिमम रिस्क पुट भी 10,000 रुपीज इस तरीके से है। तो वो आप ले लीजिए और वेट करिए, और इस बार हमें 3 to 5 times जैसे ही हमारा पैसा हो, मतलब आपने जैसे 200 में लिया है, जैसे ही 500 साढ़े 500 रुपए हो तो उसमें से एग्जिट कर लेना है, उसमें बुक कर लेना है, क्योंकि आपका 2.5 गुना पैसा हो चुका है। देखिए इस बार मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, हमने कॉल लिया था, से फॉर एग्जाम्पल, मतलब से फॉर एग्जाम्पल क्या रियलिस्टिक ही था, 18000 का कॉल हमने कुछ 280 रुपए में लिया था, तो वो हो गया था 900 रुपए, फिर भी हमने बुक नहीं किया और एंड में पता है आपको अंडा देके चला गया हमें। 19000 का कॉल हमने 140 में लिया था, वो 400 रुपए हुआ, वो बुक नहीं किया, एंड में उसने भी अंडा दिया हमें। तो इस बार अंडा नहीं लेना है, इस बार पैसा कमाना है। क्योंकि मैं आप सबको बताऊंगा, एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मार्केट में सही होना दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं सही हो गया, मेरा टारगेट निफ्टी का आ गया, नो, मेरे सब्सक्राइबर पैसा लेके घर जाने चाहिए, समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए किसी ने मुझे बोला कि सर इट इज फाइन, आप 80% तो सच हो ही गए, 400 पॉइंट से आप मिस कर गए, मैं मानता हूँ, बट अब पैसा घर लेके नहीं जा पाए, मतलब थोड़ा सा पैसा मिला, जहाँ पे 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट था वहां पे एंड में सिर्फ 7-8 हजार से संतोष करना पड़ा था लोगों को। तो इस तरह की गलती अब नहीं करनी है, इस तरीके से है दोस्तों। तो 3 जनवरी को जैसे ही मार्केट ओपन हो मंडे को आपको पुट ऑप्शन ले लेना है, वो भी मार्च एक्सपायरी का लेना है, अभी से बता रहा हूँ, मार्च एक्सपायरी निफ्टी का 16500 का। बैंक निफ्टी किसी ने बोला बताओ, बैंक निफ्टी में इसलिए रेकमेंड नहीं करता हूँ कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस इतने लिक्विड नहीं होते, आप देखना बैंक निफ्टी के ऑप्शंस दूर के भी हो गए वो इतने लिक्विड नहीं हो गए, ना उसमें वॉल्यूम होगा, ना कोई वायर सेलर इतने होते, कुछ नहीं होता है, पर निफ्टी के आपको 1 साल तक के ऑप्शन लिक्विड होते हैं, तो इसलिए मैं निफ्टी ही प्रीफर करता हूँ हमेशा। तो होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा। देखिए आपको बैंक निफ्टी का बनना तो बना सकते हैं, मार्च महीने का कोई भी 32000 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, पर आई थिंक वो भी महंगा ही होगा, मुझे लगता नहीं है कुछ उसमें वॉल्यूम होगा अभी। तो इस तरीके से दोस्तों, तो और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और बस यही बात थी जो आपको बतानी थी, लास्ट वीडियो में बता के उसमें रोल बैक किया था अपने आपको, 24 दिसंबर को पहले पोजीशन बनाना था, पर वहां से मुझे पहले लगा कि यहाँ से मार्केट बढ़ सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ, वहां से मार्केट बढ़ा, और अगर हम वहां पे पुट ले लेते तो
तो हमारा पुट अभी 20-25% गिर गया होता है और आजू बाजू लोग अभी 17,900-18,500 की बात करने लगे हैं, तो उनको उनके चक्कर में हम क्या है पैनिक कर जाते, मैं नहीं कोई और लोग, तो वो पैनिक कर जाते, उस चक्कर में वो लोग निकल जाते, तो नुकसान ही नुकसान करोगे। इससे अच्छा मैंने बोला थोड़ा लेट परचेस करेंगे, और बस वही बात है, तो लेट परचेस कर लीजिए, मंडे मार्केट ओपन हो तुरंत पुट ले लीजिए, 16,500 का ले लीजिए, 17,000 का ले लो, 16,000 का ले लो, जो लेना है ले लो, क्योंकि उसके बाद जो मार्केट गिरना शुरू होगा तो एटलीस्ट फरवरी फर्स्ट वीक तक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद में अच्छा खासा अप ट्रेंड भी आएगा मार्केट में, फिर वो कब आएगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, सीधे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे डीएम कर सकते हैं मुझे, डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज होता है, किसी ने मुझे पूछा था डीएम क्या, डायरेक्ट मैसेज होता है, तो वहां भी आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, HDFC बैंक का दूर का कोई पुट लेना हो 1350 का ऐसा कोई, तो आप ले सकते हो बिंदास, मैंने एक वीडियो भी बनाया था HDFC बैंक पे आज से एक साल पहले, आप वो वीडियो देख सकते हो, सबसे पहला बैंक है जो 52 ग्लू के नजदीक आया, फ्रंट लाइन में राजा, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि अक्टूबर के बाद इस बैंक की खटिया खड़ी होने वाली, और फाइनली हो गई, आगे देखते हैं, अभी उसका रिजल्ट वगैरह भी आने वाला है तो किस तरीके से रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अपने आपको लॉन्ग से दूर रखिएगा, मैं तो यही कहूंगा, और कॉशियस रहिएगा, और अगर आपको गोल्ड पसंद है तो गोल्ड परचेस करके रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।